हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 में से सम नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एस 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक कंटेनर है जो कि फ्रस्टम की शेप में है, उसकी हाइट है 16 और उसके लोअर एंड की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और उसके अपर एंड की जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोअर एंड की जो रेडियस है वो कम है और अपर एंड की जो रेडियस है वो ज़्यादा है, यानी कि इस तरह की शेप में वो कंटेनर बन जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो कंटेनर है वो ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि ओपन है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो हमें उस मिल्क की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है जिस मिल्क को उस कंटेनर के अंदर पूरा फिल किया जा सकता है, यानी कि भरा जा सकता है। तो उसके लिए पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, जिसके लिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसी के साथ हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें उस मेटल शीट की कॉस्ट को भी फाइंड आउट करना है जिस मेटल शीट का यूज़ करके उस कंटेनर को बनाया गया। इसके लिए हमें उसके एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उस कंटेनर को रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। तो आप देख सकते हो कि एक कंटेनर जो है फ्रस्टम की शेप में है, जिसके लोअर एंड की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और अपर एंड की रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ अपर एंड इज 20, रेडियस ऑफ लोअर एंड इज 8। तो यहाँ पर अपर एंड की रेडियस को R1 से और लोअर एंड की रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट किया एंड उस कंटेनर की जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है H से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें उस मेटल शीट की कॉस्ट को भी फाइंड आउट करना है जिसका यूज़ करके उस कंटेनर को बनाया गया, यानी कि हमें उस कंटेनर का एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। एंड कोन या फिर फ्रस्टम के एरिया के लिए हमें नीड होती है उनकी स्लैंट हाइट की, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट को भी फाइंड आउट करना होगा। और स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला है कि L इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। सो R1 इज 20, R2 इज 8 एंड H इज 16। तो यहाँ पर 20 माइनस 8 इज 12 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। देन 16 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 256 और इनको एक साथ ऐड करके आ जाएगा 400 और 400 का रूट हम लिख सकते हैं 20। तो इस तरह से उस फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि उस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी को, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि पाई की वैल्यू को हमें यूज़ करना है 3.14। तो जब हम फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3, देन पाई की जगह पर 3.14, एच जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था 16, R1 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 मीन्स 20 इंटू 8। तो अब यहाँ पर 20 का स्क्वायर इज 400, 8 का स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 इज 160। अब इसके बाद हम जब इन सभी नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो इनका सम हो जाएगा 624। तो उसको हम इस 3 से डिवाइड कर सकते हैं 208 पर। इसके बाद 3.14, 16 एंड 208, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 10,449.92 क्यूबिक सेंटीमीटर।
मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस कंटेनर की ये कैपेसिटी है, उस कंटेनर के अंदर इतना मिल्क आ सकता है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में, क्योंकि आप यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हो कि उस मिल्क की जो कॉस्ट हमें दी गई थी वो पर लीटर के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस वॉल्यूम को जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारे पास है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में, और वन क्यूबिक सेंटीमीटर में होते हैं 1/1000 liters, यानी कि हमें इसी को 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तो 10449.92 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जो ये डेसिमल है वो यहाँ पर 3 digit लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा 10.44992 liters। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख सकते हैं 10.45 liters, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस कंटेनर के अंदर 10.45 liters मिल्क आ सकता है। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि 1 liter मिल्क की कॉस्ट है 20 rupees, तो इतने मिल्क की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 209 rupees। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस कंटेनर के अंदर जितना भी मिल्क आएगा उस पूरे मिल्क की कॉस्ट हो जाएगी 209 rupees। अब जैसे कि हमें यहाँ पर आगे कहा गया था स्टेटमेंट में कि जिस मेटल से उस कंटेनर को बनाया गया है उस मेटल की कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें उस कंटेनर का एरिया पता होना चाहिए। तो जैसे कि स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि वो जो कंटेनर है वो ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA और प्लस इसके बेस का एरिया। तो जो इसका लोअर बेस है उसकी रेडियस को डिनोट किया गया था R2 से, इसलिए इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr2². तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज इक्वल टू CSA, जिसका फॉर्मूला है πr1+r2 L एंड प्लस में πr2². तो ये है उस कंटेनर का कर्व सरफेस एरिया, और इसी में हमने ऐड कर दिया है उसके बॉटम फेस के एरिया को। तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा, R1 इज़ 20, R2 इज़ 8, और स्लेंट हाइट जो इसी सब में हमने फाइंड आउट की थी 20, अगेन R2 का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 20 एंड 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 28, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 560, और साथ में फिर जब इसको पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 560 पाई। इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64, और उसको भी इस पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 पाई। अब जब इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये उस मेटल शीट का एरिया है। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 3.14, तो ये बन जाएगा 624 × 3.14। अब जैसे कि हमें कॉस्ट दी गई थी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट की, और वो कॉस्ट है 8 rupees, ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट इज़ 8 rupees। तो यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 8 × 100 rupees, बट हमें फाइंड आउट करना है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल की कॉस्ट को, तो हम इसी को 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 624, देन पाई की वैल्यू 3.14, और इसी के साथ में 8/100। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, हम यहाँ पर इसका डेसिमल रिमूव करके डिवाइड में 100 को लिख सकते हैं, मीन्स 624 × 314 × 8 डिवाइड में 100 पहले से ही था, और जब हमने इस 3.14 का डेसिमल रिमूव किया तो एक डेसिमल और आ जाए, एक डिवाइड में 100 और आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 624, 314 एंड 8 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और उनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, यानी कि उस नंबर में हम 4 digit को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 156.75। दैट मीन्स वी कैन से द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इज़ रुपीज़ 209,
यानी कि जो मिल्क उस कंटेनर को पूरा भर सकता है उसकी कॉस्ट है 209 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इज़ रुपीज़ 156.75। इसके बाद सम नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि एक कोन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर और उसका वर्टिकल एंगल मीन्स ये वाला एंगल है 60 डिग्री। आगे फिर कहा गया है इज कट इन टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, कि इस कोन को इसकी हाइट के बिल्कुल मिडल यानी कि बिल्कुल बीच में से दो पार्ट्स में कट कर दिया गया। तो अगर 20 का हम हाफ करें तो हमें मिल जाएगा 10, यानी कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी भी हाइट अब 10 सेंटीमीटर होगी और इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसकी भी हाइट अब 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमें यहाँ पर बताना है इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड, अब आप देख सकते हो कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो एक फ्रस्टम की शेप में है। तो हमें कहा गया है कि इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, कि अगर उस फ्रस्टम को एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए जिस वायर का डायमीटर 1/16 हो तो हमें उस वायर की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक डायग्राम हमने बनाया है कोन का जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर जिसका वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इस कोन को इसकी हाइट के बिल्कुल बीच में से दो पार्ट्स में कट कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर वाले पार्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर और इसके नीचे वाले पार्ट की हाइट भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब ये है कि जो नीचे फ्रस्टम बना है इस तरह से उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर बट हमें यहाँ पर इसके दोनों सर्कुलर एंड्स की रेडियस गिवन नहीं है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर इसके दोनों फेस की यानी कि इसके टॉप फेस की और इसके बॉटम फेस की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और वो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इस कोन के बिल्कुल बीच में से इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर ए डी और इसी तरह से यहाँ पर इसको बी को सी के साथ ज्वाइन किया गया है और यहाँ पर जो ए डी है वो इस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसकी जो लेंथ होगी वो उस कोन की ही हाइट के इक्वल हो जाएगी मीन्स 20। और यहाँ पर इस पॉइंट ई को एफ से भी ज्वाइन किया गया एंड ए डी और ई एफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट जी पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर इस फ्रस्टम के दोनों फेस की रेडियस को फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पर ई जी एंड बी डी इन दोनों की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा और यही उस फ्रस्टम के दोनों सर्कुलर एंड्स की रेडियस हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें गिवन था कि उस कोन का वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री, तो जब हमने उसके बीच में से इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ किया है तो यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बन जाएंगे 30 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर 60 का हाफ कर दिया गया है तो दोनों साइड में जो एंगल बनेंगे वो होंगे 30 डिग्री के। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए ई जी को। इस ट्रायंगल को तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ए डी वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। फिर जो एंगल हमें गिवन है ये एंगल है 30 डिग्री का क्योंकि 60 का हाफ करके ये 30 आ गया, तो जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड बचती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल ए ई जी के अंदर हमें इस ए जी की लेंथ पता है 10, क्योंकि 20 के ही बीच में से उसको कट किया गया था तो इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 10। और हमें यहाँ पर ई जी को यानी कि उस फ्रस्टम के ऊपरी हिस्से की रेडियस को फाइंड आउट करना है तो मीन्स हमें यहाँ पर बेस तो गिवन है और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है।
और चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही एक साथ टेन थीटा में यूज होते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा। तो दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल ए ई जी के अंदर हमें टेन थीटा को यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ई जी, एक बार फिर से उस डायग्राम को मैं बना देता हूँ, ए ई जी, जिसमें से ए जी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स इसके सामने हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री का उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो थर्ड वाली साइड बचेगी वो हो जाएगा बेस। तो जैसे कि हमें पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ई जी और यहाँ पर बेस है ए जी एंड इक्वल्स टू में टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ई जी की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है, बट ए जी इसकी वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर एंड इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 1/√3। तो अब यहाँ पर इस ई जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास ई जी की वैल्यू आ जाएगी 10/√3 सेंटीमीटर, जिसको रैशनलाइज करके, इसका अगर हमें रैशनलाइजेशन करना है तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें इसको √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर में हो जाएगा 10√3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 × √3 यानी कि 3। तो ई जी की वैल्यू है 10√3/3, दैट मीन्स कि ये उस फ्रस्टम के टॉप फेस की रेडियस है। और इसी तरह से अब उस फ्रस्टम के बॉटम फेस की रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा इस बी डी को, जिसके लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए बी डी, और यहाँ पर ये एंगल होगा 90 डिग्री का, तो मीन्स इसके सामने है हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन है 30 डिग्री का उसके सामने परपेंडिकुलर, और तीसरी जो साइड है वो हो जाएगा बेस। और यहाँ पर इस ए डी की जो लेंथ है वो उस पूरे कोण की हाइट के इक्वल होगी यानी कि 20। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमें बेस गिवन है एंड परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, मीन्स यहाँ पर भी हम 10 थीटा का ही यूज़ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी, तो ए डी की लेंथ है 20 क्योंकि ये उस कोन की हाइट के इक्वल है, एंगल डी है 90 डिग्री का तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है 30 डिग्री का तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और थर्ड वाली साइड बेस। तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं 10 थीटा का ही, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो यहाँ परपेंडिकुलर है बी डी और यहाँ पर बेस है ए डी एंड इक्वल्स टू में 10 थीटा यानी कि 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी डी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है और इसके डिनोमिनेटर में जो ए डी है उस ए डी की लेंथ है 20 एंड इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर 10 30 की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/√3। अब इस बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 20 को यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से बी डी की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। और अब इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड √3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 20 × √3 ये न्यूमरेटर हो जाएगा एंड √3 × √3 यानी कि 3 ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ई जी एंड बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और ये उस फ्रस्टम के दोनों एंड्स की रेडियस होगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि रेडियस मीन्स R1 ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम इस 10√3/3 जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, एंड इसी तरह से रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ कंटेनर
20√3/3 जो यहाँ पर ये हमने फाइंड आउट किया था, और इसकी जो हाइट होगी यानी कि जो फ्रस्टम की जो उस कंटेनर की हाइट होगी, आप देख सकते हो कि पूरे कोन की हाइट थी 20 सेंटीमीटर और उसी को बीच में से कट किया गया था, तो इसके बाद फ्रस्टम की हाइट यहाँ पर सिर्फ बची है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कंटेनर या फिर हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 10 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि इस तरह से जो फ्रस्टम बनता है उस फ्रस्टम को कन्वर्ट किया गया है एक वायर में, यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम और उस वायर का वॉल्यूम वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पर वायर का डायमीटर तो हमें गिवन है बट उसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, और आप देख सकते हो कि जो वायर होगा वो एक सिलेंडर के ही शेप में होगा, तो जिसका डायमीटर हमें दिया गया है और एक तरह से हमें उसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, और आप उसकी हाइट या फिर उसकी लेंथ के लिए एच का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें उस वायर के वॉल्यूम को एंड उस फ्रस्टम के वॉल्यूम को एक साथ कंपेयर करना होगा, तो इसलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर उस फ्रस्टम के वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है 1/3 × πh × r1² + r2² + r1 × r2। तो 1/3 देन पाई एच यानी कि उस फ्रस्टम की हाइट जो कि है 10। नाउ r1² दैट इज 10√3/3 का स्क्वायर, r2² दैट इज 20√3/3 का स्क्वायर, एंड r1 × r2 यानी कि 10√3/3 एंड इंटू में 20√3/3। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 10/3 × π, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और जो डिनोमिनेटर में 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 3 से 9 को हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं और ये बचेगा 100/3। इसी तरह से जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, और जो डिनोमिनेटर में 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ भी 3 से 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर, तो ये हो जाएगा 400/3। इसके बाद 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 और 20 का प्रोडक्ट इज 200, इसी के साथ रूट 3 और रूट 3 का प्रोडक्ट इज 3, और डिवाइड में इसके लिखा हुआ है यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 × 3, तो यहाँ एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 20/3। इसके बाद 10/3 ये एज इट इज़, पाई की वैल्यू को पुट कर दिया गया है 22/7। आप देख सकते हो कि इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है 3, तो इनके न्यूमिनेटर को हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 700 और उसके डिनोमिनेटर में 3। तो अब यहाँ पर 7 से 700 को हम डिवाइड कर सकते हैं 100 पे, तो अब यहाँ पर 10, 22 एंड 100 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22,000 और उसके डिनोमिनेटर में 3 × 3 = 9। तो ये उस फ्रस्टम का वॉल्यूम है, 22,000/9 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड उस फ्रस्टम को जिस वायर की शेप में कन्वर्ट किया गया है उस वायर का डायमीटर हमें दिया गया था 1/16, तो उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से उसका जो उसकी रेडियस होगी वो बन जाएगी 1/32 सेंटीमीटर, और यहाँ पर उस लेंथ की जो वायर की जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, या फिर आप चाहो तो उस वायर की लेंथ को आप एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि जो वायर है वो सिलेंडर की शेप में होगा जिसकी रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर ली है 1/32, बट उसकी हाइट को या फिर आप कह सकते हो कि उसकी एल को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आप एल या फिर एच का यूज़ कर सकते हो। सो अब यहाँ पर हम उस वायर के वॉल्यूम को एंड उस फ्रस्टम के वॉल्यूम को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो वायर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वायर सिलेंडर की शेप में है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, और आप यहाँ h की जगह पर अगर l का यूज़ कर रहे हो तो यही फॉर्मूला फिर बन जाएगा πr² × l। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि πr² × l, यानी कि यहाँ पर h की जगह पर बस केवल l को लिख दिया गया है।
तो यहाँ पर पाई, उसके बाद आर स्क्वेयर यानी कि 1/32 का स्क्वेयर और साथ में है इसके मल्टीप्लाई में एल। तो अब यहाँ पर हम उस फ्रस्टम के वॉल्यूम को एंड उस वायर के वॉल्यूम को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया था 22,000/9 और उस वायर का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है अभी पाई यानी कि 22/7 इंटू 1/32 का स्क्वेयर एंड इंटू में एल। तो इस एल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना होगा इनका रेसिप्रोकल करके। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी 22,000/9। तो जो 22/7 है ये इधर आ जाएगा 7/22 की फॉर्म में। एंड इसी तरह से जब हम 1/32 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1024। तो 1024 इधर ऊपर आ जाएगा और 1 आ जाएगा फिर इधर डिवाइड में। तो जब इसको कंप्लीट सोल्व किया जाएगा, यहाँ पर हम 22 से 22,000 को डिवाइड कर सकते हैं 1,000 पर, देन 1,000 इंटू 7 इज 7,000 डिवाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1024। तो उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 9 से, और 9 से डिवाइड करके हमारे पास उस वायर की जो लेंथ है वो ये आ जाएगी 7,96,444.44 सेंटीमीटर। आप इतना आंसर भी लिख सकते हो या फिर आप इसको चाहो तो मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि जब आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल है वो दो डिजिट्स इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन 7,96,444.4। तो इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने के लिए हम यहाँ पर आंसर को लिख देंगे 7,964.44 meters, और यही उस वायर की लेंथ है जो इस सब में हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये थे एक्सरसाइज 13.4 के सम नंबर 4 और 5, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।